गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू 303, जिसे हम उर्दू कोर कोर्स कहते हैं, इसके सिलेबस की। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की। इलेवंथ क्लास का जो सिलेबस है वो अपलोड किया जा चुका है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इलेवंथ के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप उर्दू इलेक्टिव के स्टूडेंट हैं, जिसका कोर्स होता है 003, ये उसका कोड है, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं चाहे इलेवंथ के चाहे ट्वेल्थ के, तो आपका भी सिलेबस अपलोड है बेटा, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। बेटा जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्लास ट्वेल्थ की बात हो रही है, अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक का पूरा एक साल का आपका ये सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको पता है जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहने वाला होता है, यानी आपके क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ आता है, उससे आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे राइटिंग वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें आपको एसे वगैरह लिखना है, लेटर लिखना है ना, और थोड़ा इडम फेस वगैरह रहेंगे, वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें बुक की, तो आपको पता है कि आपकी उर्दू में दो बुक्स चलती हैं, नई आवाज़ और धनक, है ना। नई आवाज़ आपकी मेन बुक है, धनक जो है वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। ज़्यादा जो पोर्शन रहता है वो नई आवाज़ से आता है, धनक से आपके कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपको पता है आपकी जो बुक होती है उसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है प्रोज़, प्रोज़ का मतलब होता है नसर, है ना, और पोइट्री मतलब होता है जिसे हम शेरी हिस्सा भी कहते हैं, या इसे हम लोग नज़्म भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, और ऐसे टाइप क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है। आपका राइटर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको वर्क वगैरह भी मिलेगा, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, तो वो आप भी कर लीजिएगा। अब हम अगर यहाँ बात कर लें कि आपकी बुक्स की, तो बेटा देखिए यहाँ पर आपकी दो बुक्स हैं, नई आवाज़ और धनक। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो रहती है, जो डाउट रहते हैं, वो ये रहते हैं कि मैम हर दूसरे दिन तो कुछ नया सिलेबस आ जाता है, हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ट्वेल्थ का मामला है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो बेटा ये सिलेबस बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इस पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं, ये वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है मेन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपकी दो बुक हैं, एक नई आवाज़ और दूसरी धनक, ठीक है। तो नई आवाज़ में से ये कुछ चैप्टर हैं जो काट दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर रिलेटेड हैं, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें इससे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जापान ये एक सफ़रनामा है, ठीक है, या ये जो अफसाना है बड़े बोल का सर नीचा, ठीक है, या फिर एक गधे की सरगुजश्त, ठीक है, या जगत मोहन लाल का जो ये रुबाई है, ठीक है, या फूल नामा है, फूल माला है जो आपकी नज़्म चकबस्त आपकी, ये सब डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम धनक की बात कर लें, तो धनक में से भी आपके बहुत सारे चैप्टर डिलीट है, जो कि पांच हैं। यहाँ देखिए एक कहानी डिलीट है, अकल बड़ी या भैंस, ठीक है, दूसरी भी एक कहानी है आपकी, ये भी डिलीट है, ठीक है, बूढ़ी काकी। इसके बाद अगर हम बात करें नॉवेल का कुछ एक हिस्सा है, ये भी आपका डिलीट है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें एक इंशाइया है, ये भी आपका डिलीट है, और मिर्ज़ा गालिब का एक ड्रामा है, ये भी आपका डिलीट है, ठीक है। तो ये पांच चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। अब बुक में इन पांच को हटा के जो आपके चैप्टर बचते हैं वो आपको पढ़ने हैं, और इसके अलावा आपको अपने ग्रामर को भी प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी उर्दू कवायद और इंशा करके किताब गवर्नमेंट की तरफ से लगी है, NCERT की तरफ से, तो आप वो बुक देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी सिलेबस की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके अभी तक समझ नहीं आई है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।